आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अलीगढ़ में होगी सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जनता को संबोधित। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। 12 बजे रैली स्थल पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अलीगढ़ में होगी सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जनता को संबोधित। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। 12 बजे रैली स्थल पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अलीगढ़ में होगी सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जनता को संबोधित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा अध्यक्ष मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगी मायावती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा अध्यक्ष मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगी मायावती। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसपा अध्यक्ष मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगी मायावती। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है, कई मुद्दों पर अपनी बात कहेंगी, राय रखेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस मुद्दे पर बात करना चाहती हैं मायावती। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बसपा कार्यालय पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगी मायावती। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर घूमती दिखी बाघिन, अपने 3 बच्चों के साथ रोड पर घूमती दिखी बाघिन। वन विभाग को दी गई सूचना, बाघ के हमले से अब तक कई लोगों की हो चुकी है मौत। शारदा नगर पुलिस चौकी के शारदा नहर के पास का मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर घूमती दिखी बाघिन, तस्वीरें देख सकते हैं आप, अपने 3 बच्चों के साथ रोड पर घूमती दिखी बाघिन। वन विभाग को इसकी दी गई सूचना, इससे पहले भी कई लोग की मौत हो चुकी है बाघ के हमले से, अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग को इसकी कई बार सूचना भी दी गई है, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, रोड पर 3 बच्चों के साथ घूमती दिखी बाघिन। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, कितनी बार पहले हमले हो चुके हैं बाघिन के? देखिए बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी शारदा नगर जो बने क्षेत्र है वहाँ पर इससे पहले भी कई बार करीब आधा दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहाँ पर करीब 3-4 आदमी भी की मौत हो चुकी है, 4-5 लोग घायल भी हो चुके हैं जंगली जानवर के हमले के दौरान। लेकिन अभी तक जो वन विभाग की अगर सुरक्षा की बात करें, तो वन विभाग के द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि जिससे वहाँ क्षेत्रीय लोगों की जान बचाई जा सके। जी धीरज, जिस जगह पे ये बाघिन अपने बच्चों के साथ दिखी है, क्या वहाँ पे स्थानीय लोगों के घर हैं? देखिए जहाँ पर ये बाघिन जो है अपने सांपों के साथ देखी गई, उससे कुछ ही दूरी पे बस्ती है, गांव है, लोग रहते हैं, आना जाना लोगों का रहता है जी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी जा चुकी है। लेकिन वन विभाग के द्वारा पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा सका जो जिससे वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जी तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, क्या उसके बाद कोई एक्शन लिया गया है या लापरवाही देखने को मिल रही धीरज? बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिले, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था अभी तक वहाँ पे नहीं की गई है जिससे वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित, या इस तरीके के लोग वहाँ पर जो यातायात रहता है, लोग निकलते हैं अपने आप को किसी तरीके से भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो एक डर का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। आईटीआई के गैर जरूरी कोर्स होंगे जरूरी, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में नए कोर्स के लिए टास्क फोर्स गठित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। आईटीआई के गैर जरूरी कोर्स होंगे खत्म,
पॉलिटेक्निक और आईटीआई में नए कोर्स के लिए टास्क फोर्स का गठन। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो शिक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। गोवा की तरह काशी में भी होगा यूपी फिल्म फेस्टिवल। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने दी जानकारी। 27 से 29 दिसंबर तक होगा फिल्म फेस्टिवल। यूपी में फिल्मों की शूटिंग करने वाले निर्माताओं को मिलेगी छूट। 42 फिल्म निर्माताओं को छूट देगी योगी सरकार। गोवा की तरह काशी में भी होगा यूपी फिल्म फेस्टिवल। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने दी जानकारी। 27 से 29 दिसंबर तक होगा फिल्म फेस्टिवल। यूपी में फिल्मों की शूटिंग करने वाले निर्माताओं को मिलेगा लाभ। 42 फिल्म निर्माताओं को छूट देगी योगी सरकार। गोवा की तरह काशी में भी होगा यूपी फिल्म फेस्टिवल। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगा। प्रदेश के 148 नगर निगम और नगर पंचायतों में मिलेगा लाभ। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, दो दिन में शासन जारी करेगा आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा पीएफ सुरक्षा। प्रदेश के 148 नगर निगम और नगर पंचायतों को मिलेगा इसका लाभ। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, दो दिन में शासन जारी करेगा आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी पीएफ सुरक्षा। यूपी के नए मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे स्किल पढ़ाई के साथ छात्र सीखेंगे चिकित्सीय गुण। मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी सुविधा, 14 मेडिकल कॉलेजों की बैठक में हुआ यह फैसला। यूपी के नए मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे स्किल लैब, पढ़ाई के साथ छात्र सीखेंगे चिकित्सीय बारीकियां। मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी टेलीमेडिसिन सुविधा, 14 मेडिकल कॉलेजों की बैठक में होगा यह फैसला। यूपी के नए मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे स्किल लैब, पढ़ाई के साथ छात्र सीखेंगे चिकित्सीय बारीकी। मेडिकल कॉलेज में शुरू की जाएगी ये सुविधा, 14 मेडिकल कॉलेज की बैठक में हुआ यह फैसला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।